अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आज हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है माइटोकॉन्ड्रिया, पावर हाउस ऑफ द सेल। व्हाट इज़ माइटोकॉन्ड्रिया? माइटो मीन थ्रेट एंड कॉन्ड्रिया मीन ग्रेन्यूल्स। ये पहली दफ़ा जब डिस्कवर हुए थे तो ग्रेन्यूल्स लाइक बॉडी थे मसल सेल के अंदर, तो साइंटिस्ट ने इसको माइटोकॉन्ड्रिया का नाम दिया था। डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल्फ रिप्लिकेटिंग ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट इन यूकेरियाटिक साइटोप्लाज्म। अच्छा, इसके ऊपर डबल मेम्ब्रेन होता है, जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसके ऊपर डबल मेम्ब्रेन है और ये सेल्फ रिप्लिकेटिंग ऑर्गेनेल्स है। ये आगे अभी हम समझ जाएंगे कि इसको सेल्फ रिप्लिकेटिंग क्यों बोलते हैं, प्रेजेंट इन द यूकेरियाटिक सेल, और ये कहाँ पे होता है, यूकेरियाटिक सेल में, क्योंकि ये डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स है, ये प्रोकेरियाट में नहीं होता। इसकी डिस्कवरी 1850 में केलिकर नामी एक साइंटिस्ट ने की थी। साइज इसकी अगर डायमीटर की बात करें तो 0.5 से 1 माइक्रोमीटर और लेंथ की बात अगर करें तो 0.1 से 10 माइक्रोमीटर तक है। कंपोजिशन मतलब ये माइटोकॉन्ड्रिया किस चीज़ से मिल के बना है, तो प्रोटीन से, लिपिड से, आरएनए से और डीएनए से, ये चीज़ें इकट्ठे होकर आपको माइटोकॉन्ड्रिया बना के देता है। स्ट्रक्चर की बात अगर हम करें तो ये ओवल इन शेप है, अपीयरेंस इसकी ओवल लाइक है। इसमें डबल मेम्ब्रेन है, एक मेम्ब्रेन आउटर है और एक इनर है। जो आउटर मेम्ब्रेन है इसका वो स्मूथ है, उसमें फोल्डेड नहीं है, और जो इनर मेम्ब्रेन है वो इनफोल्डेड है, जगह जगह पे ऐसी तरह का फोल्ड बना हुआ है और उसी फोल्ड को हम क्रिस्टा का नाम देते हैं। अच्छा, इसके अंदर मैट्रिक्स होता है, ये जो इनर मेम्ब्रेन से अंदर की जितनी भी स्पेस है ये सारा मैट्रिक्स है, और मैट्रिक्स क्या है, सीमी फ्लूइड है जो कंटेन एंजाइम, कोएंजाइम इन साल्ट, जो रिस्पायरेशन के जितने प्रोसेसेस है वो यहाँ अंदर होते हैं, तो उसके लिए बहुत सारे एंजाइम या कोएंजाइम मैट्रिक्स के अंदर मौजूद होता है। एक और इसमें इंटर सेलुलर स्पेस भी है, जो दो मेम्ब्रेन के इन बिटवीन जो स्पेस है ना, इनर और आउटर के इन बिटवीन जो स्पेस है उसको हम इंटर मेम्ब्रेन स्पेस कहते हैं। जो माइटोकॉन्ड्रिया इज एब्सेंट इन मिच्योर स्पर्म बैक्टीरिया एंड मिच्योर आरबीसी, इन चीज़ों में जब आरबीसी और स्पर्म मिच्योर हो जाते हैं तो उसमें फिर माइटोकॉन्ड्रिया की ज़रूरत नहीं हो जाती, क्योंकि वो एरोबिक रिस्पायरेशन फिर नहीं करते, तो हम कह सकते हैं कि उसमें ये एब्सेंट होता है। और जो बैक्टीरिया है वो तो प्रोकैरियोट है और ये डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर है, लिहाजा ये बैक्टीरिया में भी नहीं होगा। फंक्शन की बात अगर माइटोकॉन्ड्रिया की करें तो ये सेलुलर रिस्पायरेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, सेल के अंदर जितने रिस्पायरेशन होता है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी उसके लिए रिस्पॉन्सिबल माइटोकॉन्ड्रिया है। दैट इज़ वाई माइटोकॉन्ड्रिया इज़ नोन इज पावर हाउस ऑफ द सेल। क्यों? क्योंकि एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी हमारे पास प्रोड्यूस करता है, इसीलिए हम इसको पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। अच्छा, सेल्फ रिप्लिकेटिंग ऑर्गेनेल्स ये क्यों है? माइटोकॉन्ड्रिया इज अ सेल्फ रिप्लिकेटिंग ऑर्गेनेल्स बिकॉज इट कंटेन राइबोसोम, इसके अंदर राइबोसोम भी होता है, और आप जानते हैं राइबोसोम का क्या काम है, प्रोटीन सिंथेसिस, और इसके अंदर इंडिपेंडेंट डीएनए भी है, खुद के लिए अपने लिए डीएनए भी है। तो ये सेल्फ रिप्लिकेटिंग इसलिए है कि ये अगर चाहे तो अपने आप को विदाउट द परमिशन ऑफ न्यूक्लियस ही अपने आप को डिवाइड कर सकता है, रिप्लिकेट कर सकता है जहाँ पे इसकी ज़रूरत हो, क्योंकि इसमें रिप्लिकेशन के लिए जो चीज़ें चाहिए डीएनए और राइबोसोम वो इसके अंदर मौजूद है, लिहाजा ये खुद अपने आप को रिप्लिकेट करता है, इसीलिए हम इसको सेल्फ रिप्लिकेटिंग ऑर्गेनेल्स कहते हैं। तो सिंपल सा है माइटोकॉन्ड्रिया, इसमें कुछ मुश्किल हो आप कमेंट्स करके पूछिएगा, हम जवाब देंगे। अल्लाह हाफिज़।